समक्ष बैठे हैं आदरणीय भैया साजन भैया को नमन प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर जितने भी विद्वान कलाकार हैं उन सभी को, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन दोनों महान विभूतियों की स्मृति में आज उन्हें स्मरण करते हुए आज इस सुधी आयोजन का आयोजन हुआ है, उन दोनों ही महान विभूतियों के परिवार से आज उनका परिवार सामने बैठा, और यही असली श्रद्धांजलि है, यही असली श्रोता हैं। आपके जरिए वहाँ तक पहुँचे ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो अपने जीवन काल में किंवदंती बन गए ऐसे दोनों श्रेष्ठ गुणीजन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, श्रद्धे महाराज जी, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि दोनों से व्यक्तिगत जुड़ाव रहा। कहने और सुनाने के लिए आज गाना ना होता तो बड़े सारे किस्से और कहानियाँ उनकी होती। अंजू बैठी हैं, उन्हें मालूम है कि बनारस घर आए बिना चले जाएं तो फटकार के संग डांट पड़ जाती थी। विंडम फॉल तक हम लोग साथ गए महाराज जी की, तो कितनी बातें, बाटी चोखा की पार्टी। और खान साहब का तो सिर्फ इतना ही एक छोटा सा वाक्या जिससे आप ये देखें और समझें कि कलाकार सिर्फ गाना सीखने से और रियाज करने से भी नहीं बनता, एक मन चाहिए। 99 में जब पतिदेव यहाँ पर थे तो पहला काम यहाँ पर आए, हम लोग सबसे मिलने गए, खान साहब के यहाँ भी गए। उसके बाद गाहे बगाहे एक दो जगह कार्यक्रम में मुलाकात हो गई, वो दिन था, साल भर भेंट नहीं हुए। इस बीच में इनकी वार्ता जरूर होती रही लखनऊ में किसी कार्यक्रम के लिए। रात में खबर आई कि बनारस से इनका तबादला मेरठ को हो गया है जिलाधिकारी। हम लोग को तो पहले ही पता चल जाता है रात में, तो हम लोग तो शांत थे। सुबह सो करके उठे और 6:30-7 बजे कोठी पे अर्दली ने कहा कि साहब जल्दी चलिए बाहर, बिस्मिल्ला खां साहब आए हैं। और सुबह 7 बजे मुझे याद है वैन थी, मारुति वैन, उसमें सब लोग भर करके 6-7 लोग। मैं तो जैसी हालत में थी हमको यकीन ही नहीं हो कि खान साहब क्यों आए, और वो बिल्कुल इतने दुखी बोले, बिटिया ये गजब हो गया, बनारस से कैसे जा रही हो। और मैं सोचती रही कि वो हमसे क्या मतलब, बात भी नहीं होती थी, लेकिन ऐसे थे। और 1.5 घंटा हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, न सिर्फ बैठे, कितना सुना मुझसे, खुद भी कहा। और मैं अपने मन में एक बहुत बड़ी सीख लेकर गई कि बड़प्पन, इतना बड़ा दिल, एक संवेदनशील हृदय, तब जाकर के ऐसे विभूतियाँ बनती हैं जैसे पंडित किशन महाराज जी थे या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब थे। मैं धीरे धीरे हिचक करके जब मैं अप्पा जी से सीख कर गा रही थी, ऐसा भी अवसर आया है कि बिस्मिल्लाह कि अप्पा जी हमारे गुरु गा रहे हैं, महाराज जी तबले पे हैं, आलाप लेने की जब बारी आए बोल बनाने की, तो वो हमको आंख से इशारा करते थे, चलो आगे बढ़ो, आलाप बनाओ। तो हम घबराहट के मारे कि अप्पा जी जब तक इशारा ना करें हम कैसे कहें, बोले नहीं करो करो। धीरे धीरे हिचक खुली, और उनके जन्मदिन पे 3 सितंबर को बड़ा जलसा करते थे मुझे याद है, और मुझे बुलाया मेरठ से गाने। मैं जब गा कर उठी, उनकी ही एक सीख मैंने याद करी थी, उन्होंने मुझे कहा तुम गुरु से इतना डरती हो, मंच पे बैठो तो ये समझ लो कि जो तुम मंच पे हो तो तुम राजा बाकी सब प्रजा, यही एक सिद्धांत है कलाकार का। और उस कार्यक्रम में अप्पा जी भी थीं, महाराज जी भी थे, हमने जैसा उल्टा सीधा आता था सुना दिया। महाराज जी खड़े हुए, बोले गाने के बारे में तो सब कुछ हम कहेंगे, गुरु भी इनकी बैठी हैं, लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी लगती, मालिनी शेरनी की तरह गाती है। और वो मुझे कभी बात नहीं भूलती कि उनको, वो खुद दबंग थे, निर्भीक थे, और मुझे लगता था कि महिलाओं के लिए ये एक अवगुण है, लेकिन वो कहे ना ऐसे ही। तो उनका बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और इसीलिए जब खबर मिली थी तो मैं तुरंत दौड़ी हुई आई थी। और बस आज मैं शिवेंद्र सिंह को, रागगिरी को, हृदय से
एक आशीर्वाद और बधाई शुभकामना देना चाह रही हूँ कि नए बच्चों के सामने आपने जो इनको जीवंत करके खड़ा किया है। हमने भी विंध्याचल में जब पहली बार सुना था आप लोगों को 6 साल की उम्र में, तो यही सोचते थे कभी पाँव की धूल पा लें उनकी। और आज मेरा सौभाग्य है कि पद्मश्री प्राप्त करने के बाद काशी में पहला कार्यक्रम है, तो मैं आप लोगों को समर्पित करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे मेरी गुरु मिली, दिशा देने वाली मिली। आप नहीं होते, काशी नहीं होते, तो हम वहीं धूल की तरह कहीं पड़े होते। आज मेरी गुरु को भी प्रणाम करती हूँ जो आज इसी नगर में भी हैं, और आप सभी को नमन करते हुए शुरू कर रही हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत, मुझे मालूम है यहाँ सभी आए हैं और बहुत कुछ सुनने आए हैं, सब होगा। मैं धृष्टता कर रही हूँ आपके सामने, ठुमरी से शुरुआत कर रही हूँ, मिश्र देश में। भैया हारमोनियम तो सुनाई नहीं दे रहा, तबले का भी मॉनिटर पे दे दीजिए। हाँ मॉनिटर पे आपका देखिए आ रहा है। Yeah.
पिया नहीं नहीं आए पिया नहीं बैठे हैं आदरणीय भैया साजन भैया को नमन प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर जितने भी विद्वान कलाकार हैं उन सभी को, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन दोनों महान विभूतियों की स्मृति में आज उन्हें स्मरण करते हुए आज इस सुधी आयोजन का आयोजन हुआ है,
उन दोनों ही महान विभूतियों के परिवार से आज उनका परिवार सामने बैठा और यही असली श्रद्धांजलि है, यही असली श्रोता है, आपके जरिए वहाँ तक पहुँचे ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो अपने जीवन काल में किंवदंती बन गए ऐसे दोनों श्रेष्ठ गुणीजन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब श्रद्धे महाराज जी, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि दोनों से व्यक्तिगत जुड़ाव रहा। कहने और सुनाने के लिए आज गाना ना होता तो बड़े सारे किस्से और कहानियाँ उनकी होती। अंजू बैठी हैं, उन्हें मालूम है कि बनारस घर आए बिना चले जाएं तो फटकार के संग डांट पड़ जाती थी। विंडम फॉल तक हम लोग साथ गए महाराज जी की, तो कितनी बातें, बाटी चोखा की पार्टी। और खां साहब का तो सिर्फ इतना ही एक छोटा सा वाक्या जिससे आप ये देखें और समझें कि कलाकार सिर्फ गाना सीखने से और रियाज करने से भी नहीं बनता, एक मन चाहिए। 99 में जब पतिदेव यहाँ पर थे तो पहला काम यहाँ पर आए, हम लोग सबसे मिलने गए, खां साहब के यहाँ भी गए। उसके बाद गाहे बगाहे एक दो जगह कार्यक्रम में मुलाकात हो गई, वो दिन था, साल भर भेंट नहीं हुए। इस बीच में इनकी वार्ता जरूर होती रही लखनऊ में किसी कार्यक्रम के लिए। रात में खबर आई कि बनारस से इनका तबादला मेरठ को हो गया है जिलाधिकारी। हम लोग को तो पहले ही पता चल जाता है रात में, तो हम लोग तो शांत थे। सुबह सो करके उठे और 6:30-7 बजे कोठी पे अर्दली ने कहा कि साहब जल्दी चलिए बाहर, बिस्मिल्लाह खां साहब आए हैं। और सुबह 7 बजे मुझे याद है वैन थी, मारुति वैन, उसमें सब लोग भर करके 6-7 लोग। मैं तो जैसी हालत में थी हमको यकीन ही नहीं हो कि खां साहब क्यों आए। और वो बिल्कुल इतने दुखी, बोले बिटिया ये गजब हो गया, बनारस से कैसे जा रही हो। और मैं सोचती रही कि वो हमसे क्या मतलब, बात भी नहीं होती थी, लेकिन ऐसे थे। और 1.5 घंटा हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, न सिर्फ बैठे, कितना सुना मुझसे, खुद भी कहा। और मैं अपने मन में एक बहुत बड़ी सीख लेकर गई कि बड़प्पन, इतना बड़ा दिल, एक संवेदनशील हृदय, तब जाकर के ऐसे विभूतियाँ बनती हैं जैसे पंडित किशन महाराज जी थे या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे। मैं धीरे धीरे हिचक करके जब मैं अप्पा जी से सीख कर गा रही थी, ऐसा भी अवसर आया है कि बिस्मिल्लाह कि अप्पा जी हमारे गुरु गा रहे हैं, महाराज जी तबले पे हैं, आलाप लेने की जब बारी आए बोल बनाने की, तो वो हमको आँख से इशारा करते थे चलो आगे बढ़ो आलाप बनाओ, तो हम घबराहट के मारे कि अप्पा जी जब तक इशारा ना करें हम कैसे कहें, बोले नहीं करो करो। धीरे धीरे हिचक खुली और उनके जन्मदिन पे 3 सितंबर को बड़ा जलसा करते थे मुझे याद है, और मुझे बुलाया मेरठ से गाने। मैं जब गा कर उठी, उनकी ही एक सीख मैंने याद करी थी, उन्होंने मुझे कहा तुम गुरु से इतना डरती हो, मंच पे बैठो तो ये समझ लो कि जो तुम मंच पे हो तो तुम राजा बाकी सब प्रजा, यही एक सिद्धांत है कलाकार का। और उस कार्यक्रम में अप्पा जी भी थीं, महाराज जी भी थे, हमने जैसा उल्टा सीधा आता था सुना दिया। महाराज जी खड़े हुए, बोले गाने के बारे में तो सब कुछ हम कहेंगे, गुरु भी इनकी बैठी हैं, लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी लगती, मालिनी शेरनी की तरह गाती है। और वो मुझे कभी बात नहीं भूलती कि उनको, वो खुद दबंग थे, निर्भीक थे, और मुझे लगता था कि महिलाओं के लिए ये एक अवगुण है, लेकिन वो कहे ना ऐसे ही। तो उनका बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और इसीलिए जब खबर मिली थी तो मैं तुरंत दौड़ी हुई आई थी। और बस आज मैं शिवेंद्र सिंह को, रागगिरी को हृदय से एक आशीर्वाद और बधाई, शुभकामना देना चाह रही हूँ कि नए बच्चों के सामने आपने जो इनको जीवंत करके खड़ा किया है। हमने भी विंध्याचल में जब पहली बार सुना था आप लोगों को 6 साल की उम्र में, तो यही सोचते थे कभी पाँव की धूल पा लें उनकी। और आज मेरा सौभाग्य है कि पद्मश्री प्राप्त करने के बाद काशी में पहला कार्यक्रम है, तो मैं आप लोगों को समर्पित करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे मेरी गुरु मिली, दिशा देने वाली मिली,
आप नहीं होते, काशी नहीं होते, तो हम वहीं धूल की तरह कहीं पड़े होते। आज मेरी गुरु को भी प्रणाम करती हूँ जो आज इसी नगर में भी हैं, और आप सभी को नमन करते हुए शुरू कर रही हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत, मुझे मालूम है यहाँ सभी आए हैं और बहुत कुछ सुनने आए हैं, सब होगा। मैं धृष्टता कर रही हूँ आपके सामने, ठुमरी से शुरुआत कर रही हूँ, मिश्र देश में। भैया हारमोनियम तो सुनाई नहीं दे रहा, तबले का भी मॉनिटर पे दे दीजिए। हाँ मॉनिटर पे आपका देखिए आ रहा है।
जो जो पपिहा